प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की वर्णमाला। जैसे आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स करते हैं, ऐसे ही हिंदी में होती है वर्णमाला, और ये आप पहले कर चुके हैं एलकेजी में, है ना। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे आप इंग्लिश में वॉवल्स करते हैं, ऐसे ही हिंदी में होते हैं स्वर, और जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही हिंदी में होते हैं व्यंजन। चलिए एक बार जल्दी से इनको पढ़ते हैं। स्वर पहले पढ़ेंगे हम, अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ ओ अन अह आ। ये अ जो है ये अभी मैं आपको समझाऊंगी ये क्या है, ये आपने पहले नहीं किया होगा। अभी जल्दी से एक बार व्यंजन भी पढ़ लेते हैं। क ख ग घ अ च छ ज झ य ट ठ ड ड ढ ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। ये क्ष त्र ज्ञ श्र जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं बेटा, और ये अभी आपको थोड़े दिन पहले सिखाए भी गए थे, हम फिर से इनको दोहराएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखे स्वर और व्यंजन, ये पूरी बनती है हमारी वर्णमाला बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट करते हैं, है ना। और जैसे ही वॉवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ऐसे ही हिंदी में हमारे ये स्वर होते हैं। अ से अह तक आप पहले करते आए हैं, यहाँ पर एक नया वॉवल ऐड किया है, नया स्वर ऐड किया गया है अ, ठीक है। ये मैम आपको भी समझा रही हैं, इसके उदाहरण भी मैम आपको देंगी अभी। और व्यंजन जो हैं ये क से ह तक आप करते आए हैं, संयुक्त व्यंजन आपको अभी फर्स्ट में सिखाए गए क्ष त्र ज्ञ श्र। अभी इसी को हम दोबारा से मात्राएं, जो स्वर होते हैं ना उनकी मात्राएं, आप मात्राएं कर रहे हैं, आपने आ ई ई उ ऊ री ये सभी मात्राएं आप अभी तक कर चुके हैं, है ना। तो हम इनको आज फिर से दोहराएंगे भी सही। और आपको यही बात मैं बताना चाहती हैं कि जो स्वर होते हैं इनकी हम मात्राएं भी लगाते हैं, ठीक है। अगर आप शब्द जो है इस स्वर से शुरू हो रहा है तो ये स्वर ऐसे ही लिखे जाएंगे, लेकिन अगर इस स्वर की ध्वनि बीच में आ रही है, किसी शब्द के बीच में आती है, तो हम ज्यादातर वहां पर मात्रा लगाते हैं स्वर की, ठीक है। तो इन्हीं मात्राओं से और व्यंजनों से जो है हम शब्द बनाते हैं। नए शब्द कैसे बनते हैं, व्यंजनों और स्वरों के जोड़ से बनते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन, इनको स्वर और व्यंजन में फर्क क्या होता है, स्वर जो होता है इसमें आप किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इनकी अलग ध्वनि होती है। और जो व्यंजन होते हैं इनको आप बिना स्वर की सहायता नहीं बोल सकते। ये जो आप जितने भी व्यंजन आपने किए क ख ग, ये जो हैं ये स्वर, इसके साथ कौन सा स्वर लगा है, इनके साथ स्वर लगा है अ। आपने देखा होगा अ की मात्रा आपको कभी नहीं कराई जाती, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। जितने भी व्यंजन हैं उन सब के अंदर अ जो है वो पहले ही मिला है, क ख, इनको कभी का खा गा ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। अभी जो आपने स्वर किए बेटा, ये सब स्वर जो हैं ये अभी आपको मैंने बताया कि जैसे इंग्लिश में आप वॉवल्स करते हैं ऐसे ही हिंदी में स्वर होते हैं, और इन सब के कुछ सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे आ ई ई उ ऊ री, ये सभी मात्राएं आप कर चुके हैं, है ना। देखिए अब ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, र के ऊपर भी मैं मात्राएं लगा रही हूँ, र के ऊपर आ की मात्रा लगाई रा री री रु। अब ध्यान रखिए जब भी र के ऊपर छोटे उ की मात्रा लगेगी तो हम उसको नीचे ऐसे नहीं लगाएंगे, बाकी सब वर्णों के नीचे आप ऐसे लगाते हैं, है ना, लेकिन जब छोटे उ की मात्रा र पे लगती है तो वो ऐसे लगती है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, दिस इज नॉट राइट, राइट। रू
ऐसे ही र के ऊपर बड़े ओ की मात्रा कभी नीचे नहीं लगाएंगे। बाकी सब व्यंजनों के नीचे मात्रा लगती है ये, लेकिन र के ऊपर नीचे नहीं लगती है, र की साइड पर लगती है, इसीलिए मैम ने र का उदाहरण लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, री, री की जो मात्रा है र के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं लगेगी। ऐसे आप कोई भी शब्द नहीं देखोगे कि र के नीचे री की मात्रा लगी हो। इसकी जगह कहीं भी अगर शब्द ऐसे शुरू हो रहा है या ऐसी कोई साउंड आ रही है तो आप री ऋषि ही यूज करेंगे। ठीक है, री यूज होगा, री जैसे ऋषि के अंदर री। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे और फिर ठीक है ऐसे शब्द नहीं बनाएंगे। अगला स्वर है ए, ए, ओ, ओ, अन, अ। ठीक है, इनके मात्राएं, ये सब मात्राएं अभी आपने नहीं की हैं, सिर्फ एक बार समझाने के लिए मैम ने ये मात्राएं यहाँ लिखी हैं और र के ऊपर मात्रा लगा कर दिखा रही है मैम आपको। रे, रे, रो, रो, रन, और ये जो अ है, अ जो है ये जब हम इंग्लिश का कोई वर्ड जिसमें अ की साउंड आती है वो लिखते हैं तब। जैसे ये हो गया रॉकी, ये क्या है रॉकी। अगर मैं इसको रॉकी ऐसे लिखूंगी ये हो गया रॉकी, है ना, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी ये हो जाएगा राकी। ठीक है, तो रॉकी, राकी, रॉकी, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे ऐसे रॉकी। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का वर्ड है रॉकी, हमने लिखा हिंदी में इसको ऐसे रॉकी। ठीक है, ये तो रॉकी बन गया और ये राखी बन गया, तो दोनों ही साउंड डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम ये अ यूज करते हैं। ठीक है, एक और वर्ड जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश का, ये होता है डॉक्टर। ओके, डॉक्टर, ये ना तो डॉक्टर है ना ये डॉक्टर है। ठीक है, तो डॉक्टर जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे, फिर से इसको ऐसे ही लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, समझ आया बेटा। और एक चीज जो मैं आपको सिखाना चाहती हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है, ड, ये है ड, जैसे डर, ड, डर, डमरू। ठीक है, जब इस ड के नीचे यहां बिंदी लगती है तो ये बन जाता है ड, क्या बनता है ड, पड़, खिड़की, ड, ड की साउंड आ रही है ड। ठीक है, और ऐसे ही ये ड के आगे साइड पे बिंदी लगी है, जब साइड पे बिंदी होती है तो इसको ड नहीं बोलते हैं, बहुत बच्चे इसी को ड समझते हैं। देखिए, ये है ड जहां बिंदी नहीं है, जहां बिंदी नीचे लगी है ये है ड, और जहां बिंदी साइड पे लगी है ये है अ। ठीक है, ये न, अ, या, ठीक है, ये सब अभी आपने किया वर्णमाला में। ठीक है, व्यंजन जब हम कर रहे थे क, ख, ग, घ, अ, ये वो है क, ख, ग, घ, अ, ये है ये। ठीक है, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं कंघी, तो इसकी जो मात्रा है वो बिंदी ही है, जैसे अंग अंगूर करते हैं आप, अनंगूर करते हैं ना, तो वो बिंदी जो लगती है ऐसे ही ये इसकी भी बिंदी ही लगती है। जब आप कोई शब्द बनाते हैं कंघी, तो कंघी अगर हम अलग से देखें तो कंघी क्या है, कंघी ये है। ठीक है, अलग से कंघी ये है, समझ आया। ये हलंत मैंने लगाया, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे ये क्या चीज है, ये बड़े होके समझाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि ड, ड और अ ये डिफरेंट है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये है ढ, ढ, ढक्कन, और ये जब ढ के नीचे बिंदी लग जाती है ये बन जाता है ढ, क्या बन जाता है ढ, जैसे पढ़, पढ़। समझ आया बेटा, तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये है फ, फ, फल, और जब फ के नीचे बिंदी लगती है ऐसे तो ये बन जाता है फ, क्या बन जाता है फ, सफर। ठीक है, फ, फल, फ, जैसे सफर में आ रहा है फ। ठीक है बेटा, बस इतनी ही चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम कल जो है वो दो, तीन, चार वर्णों का जोड़, मिलान और
चित्र पहचान कर लिखो। ये तीन चीजें हम करेंगे। दो तीन चार वर्णों का जोड़ आप यूकेजी में भी करते आए हैं, फर्स्ट में भी अभी आप 2 महीने से आप कर रहे हैं, बहुत आसान है। तो कल हम उसकी कुछ वर्कशीट